यहाँ एथेनॉल की जो खराब पदार्थ आता है उसे हमारे बहुत बदबू करता है। यहाँ पर जब स्कूल का छुट्टी होता है तो कुछ लोग आकर पेड़ पौधे को तोड़ फोड़ देते हैं, शराब पीकर ऐसे फेंक देते हैं, जो भी खाते पीते वैसे कागज भी सब फेंक। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम बाउंड्री की है, जिससे हम पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, गाय वाय चर देते हैं और रास्ते के लोग लड़के लोग यहाँ बाइक लेकर आते हैं और घूमते हैं छेड़ते वगैरह। और यहाँ पर नेट भी नहीं है जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। जी हम लोग उच्च अधिकारियों को भी मौके पर जानकारी दे दिए हैं। कवर्धा एक ऐसा जिला जो गन्ना की खेती के लिए मशहूर है और कवर्धा की पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती कवर्धा जिले में ही होता है। ऐसे में यहाँ पर दो सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है शासन स्तर पर। इसके अलावा हाल ही में कुछ वर्ष पहले जो है यहाँ पर एथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया गया है और एथेनॉल प्लांट मेरे पीछे है और ये देखिए मैं इस स्कूल बिल्डिंग के पीछे ही एथेनॉल प्लांट है और यहाँ पर स्कूल भवन है शासकीय हाई स्कूल रामेपुर कला के बच्चे क्यों परेशान हैं इसे जानने की कोशिश करते हैं। अब बेटा ये बताओ क्या नाम है आपको, कौन से क्लास में है, किस तरीके की परेशानी हो रही है आप लोगों को? माय नेम इज राजन मल्लारे, आई रीडिंग क्लास 10। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? यहाँ एथेनॉल की जो खराब पदार्थ आता है उसे हमारे बहुत बदबू करता है, उसे हमारे क्लास में भी आता है, इसके कारण खिड़की को बंद करना पड़ता है, लाइट नहीं रहता ना तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता, इसलिए हमें यहाँ पे आसपास में बाउंड्री भी बनाना चाहिए क्योंकि आसपास में गाय वाय भी शराब वराब आदमी पीकर यहाँ पर सीसीटीवी को फोड़ देते हैं। तो आप लोग जो है अपने टीचरों के पास शिकायत भी करते हैं इसके? करते हैं मगर वो क्या कर सकते हैं, बेचारे लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा बाउंड्री यहाँ पे लाइट का भी बिजली का भी सुविधा होना चाहिए। इसके अलावा जो एथेनॉल प्लांट की जो मटेरियल है जिससे बदबू आती है उसको यहाँ पर डंप करना चाहिए या हटाना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ शिक्षक भी हैं, बच्चे लोग कह रहे हैं कि बदबू आती है, खिड़कियाँ बंद करके क्लास में जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसकी शिकायत आपने अपने उच्च अधिकारियों को किया है क्या? जी हम लोग उच्च अधिकारियों को भी मौखिक तौर पर जानकारी दे दिए हैं और वर्तमान में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य वगैरह हैं, सरपंच वगैरह पूरे मतलब अवगत हैं इन बातों से और अभी तत्काल में जैसे आप लोग अभी खड़े हैं निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना को वितरण करने के लिए जिला से पूरे मतलब प्रतिनिधि लोग आए थे। जो बाउंड्री वॉल नहीं है असामाजिक तत्व लोग स्कूल प्रांगण में, बिल्कुल सही है सर, बच्चे लोग जो बता रहे हैं वो सही है। जी बेटा आप छात्र हैं लड़की हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्व कुछ शराबी लोग आकर सीसी फोड़ते हैं बताते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है आप लोगों को? यहाँ पर जब स्कूल का छुट्टी होता है तो कुछ लोग आकर पेड़ पौधे को तोड़ फोड़ देते हैं, शराब पीकर ऐसे फेंक देते हैं, जो भी खाते पीते वैसे कागज भी सब फेंक। और जो बदबू की बातें होती कह रहे थे कुछ लोग, कहाँ से बदबू आती है और कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग? यहाँ एथेनॉल से बदबू आता है, हम लोग खिड़की को बंद कर पढ़ते हैं और मतलब तब हमारा बदबू थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा आता है कभी कभार इसलिए खिड़की को बंद करना पड़ता है। देखिए बच्चे हैं और स्कूल आते हैं पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पर खिड़कियाँ बंद करके पढ़ाई करने को मजबूर है बच्चियाँ, आपको किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्या समस्या आती है? हमें तो बदबू से उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, पहले होती थी बदबू से तकलीफ, अभी नहीं होती है। अभी बोल रहे हैं कि हवा चलता है तब आता है। कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है, कभी कभी आता है रोज नहीं होता है बदबू। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम बाउंड्री की है, जिससे हम पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, गाय वाय चर देते हैं और रास्ते के लोग लड़के लोग यहाँ बाइक लेकर आते हैं और घूमते हैं छेड़ते वगैरह हैं, इससे हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें बाउंड्री की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप भी सहमत है, बता रही हैं कि बाहरी लड़के लोग आ जाते हैं चूँकि बाउंड्री वाल नहीं है, छेड़छाड़ करते हैं, कुछ गंदगी चीज़ों को फेंक देते हैं स्कूल प्रांगण में। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हम यहाँ पर मेड भी नहीं है और हम सभी छात्र छात्राएँ आते हैं स्कूल तो हमारा पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ स्वीपर नहीं है और जिसके कारण लोग बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पर फैला वैला कर चले जाते हैं, उसको हम ही लोग भी साफ करते हैं जिससे
पढ़ाई में थोड़ी देर लगती है, पढ़ाई करने में भी तकलीफ होती है। यहाँ बाउंड्री लगाना जरूरी है और यहाँ पर मेड भी नहीं है, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। ये देखिए छात्रा हैं, साफ तौर पर यही कहना है कि स्कूल में तमाम तरह की समस्याएं हैं। बाहरी लोग जो आते हैं बाउंड्री वाल नहीं होने के चलते प्रांगण में प्रवेश कर लेते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो गंदगी सामान है उसको यहाँ पर बिखेर जाते हैं, जिसके चलते स्वीपर नहीं है तो बच्चे लोग ही उसको सफाई करने को यहाँ पर अपने आप को मजबूर बता रहे हैं। उससे जो आसपास के रहवासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं बच्चों से, खासकर जो स्कूल पास में ही है सामने में, उनका कहना है बच्चों से लेकर शिक्षकों का कि बदबू आती है, बहुत परेशान रहते हैं। किस चीज़ में? तो आपका एक्चुअल में क्या है, देखिए अभी हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो प्लांट है आपको क्या स्मेल लग रही है? आप बताइए, जेन्युइनली बताइए, यू आर सिटिंग हियर, मतलब आपके अंदर नहीं लग रहा है सर, आपके ऑफिस के अंदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर लग रहा था, नीचे लग रहा था। कहाँ पे? आपके ऑफिस के नीचे है सर, तो वो स्मेल जो है ना, वो स्मेल जो है वो सराउंडिंग एरिया की है, वो हमारी नहीं है, वो सराउंडिंग एरिया की है। अब थोड़ा सा रेनी सीजन भी है, रेनी सीजन में थोड़ी सी स्मेल वैसे भी आती है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ से कोई स्मेल नहीं निकलता? नहीं, और जब डिस्टिलरी कोई प्रोडक्शन होता है कहीं पर लगता है, आप किचन में भी जाएंगे ना, थोड़ी बहुत तो स्मेल आएगी, लिटिल बिट, बट हमने जो सिस्टम लगाया है पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है, वो इससे जो है, और उस जो भी पोल्यूशन है उसके लिए हमने पूरा एमिशन प्रूफ कर रखा है पूरा सिस्टम। लेकिन जो एहतियातन के तौर पर जो मटेरियल है उसको बाहर क्यों फेंका जाता है, ये कहना मेरा? नहीं, वो तो सेल कर देते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर पड़ा रहता है वो तो यहाँ सामने में, उसका हम देख लेंगे, अगर मान लिया ऐसा है तो उसको हम करेंगे अपना, है ना। देखना होगा अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेती है, और जो बदबू से परेशान है बच्चे उसको किस तरीके से निपटेगी प्रशासन, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। कवर्धा से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।